हमारे पास तीन चार स्कीम है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें 30-35% का हम डिस्काउंट देते हैं, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर रहता है कि आप कभी भी सेल करते हो तो 30-35% आपको मिल जाता है। और दूसरा है स्लैब वाइज, इसमें आप ले सकते हो। तीसरा है ईएमआई, इसमें आप ले सकते हो। और चौथा है बैंक लोन, इसमें भी आप बैंक लोन करके ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों को ड्रीम्स प्लेनेट का एक और अपडेट वीडियो बनाकर दे रहे हैं, जहां पर आप लोगों को नई नई अपडेट देखने के लिए मिलेगा। बीच में एक और वीडियो अपलोड होना था और हम गाँव जाने के वजह से बीच में एक डेढ़ महीना कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ हमारा चैनल पर। तो सबसे पहला अपडेट ये है, ये जो मेन रोड है, मेन रोड को लगकर हमारा गेट का काम स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और गेट काफ़ी बड़ा है, जैसे हमने ब्रोशर में आपको बताया था हमारा एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये लास्ट में एक कॉलम है, दो कॉलम दिख रहा है, बीच में चार कॉलम दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि बीच में हमारा सिक्योरिटी केबिन रहने वाले हैं। तो एक तरफ एंट्रेंस रहेगा और एक तरफ एग्जिट रहेगा, यहाँ पर भी दो कॉलम दिख रहा है। तो ये इतना बड़ा गेट यहाँ पर बनाया जाएगा। और सामने यहाँ पर ये मेन रोड है, मतलब अभी छोटी रोड है, लेकिन यहाँ से हाईवे तक जब जाएगा तो ये अपना 30 मीटर का रोड है, यानी कि 100 फीट का लगभग रोड है ये। और इस तरफ देख सकते हो, ये एक और अपडेट है, मस्जिद का काम बीच में थोड़ा सा रुका था, अभी काम स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये एकदम प्रोजेक्ट को लगकर हमारा इतना बड़ा मस्जिद है। और यहाँ से आप देख सकते हो, हम अगर ऊपर जाएंगे तो पूरा माउंटेन व्यू और सनसेट का व्यू देखने के लिए मिलेगा। यही माथेरान है, माथेरान का क्लोज व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अभी अंदर। और ये अपना जो बी टावर है, बी टावर का आप लोग देख सकते हो, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो अपलोड किए थे तब 7 स्लैब था और अभी 8 स्लैब हो चुका है। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक दो स्लैब और होना था, लेकिन ये इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा आगे का जो दोनों बिल्डिंग है, पहला वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे कि सिर्फ ए टावर का काम चल रहा था, ये तो बी इतना हो गया। और अभी सी का भी मैं दिखाता हूँ क्या अपडेट है। तो गेट से जब आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पर इतना बड़ा जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर पार्किंग रहने वाले हैं और ओपन पार्किंग, जो हम आपको बताते हैं कि आपको पार्किंग लेने का कोई ज़रूरत नहीं है स्टील पार्किंग, क्योंकि ओपन पार्किंग हमारा प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रंट साइड में भी है और यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, ठीक है। और ये अपना बी टावर जो है, इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो फ्रंट साइड से रहेगा। इस बिल्डिंग का सबसे खास बात यह है कि इसका दोनों तरफ आपका फ्रंट है, ये मेन गेट है, मेन गेट से आप देखेंगे तो ये भी फ्रंट है। और उस साइड आप बैक नहीं कह सकते हो, क्योंकि उस साइड में एमिनिटीज एरिया है, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, स्विमिंग पूल वगैरह उस साइड में है, तो वो भी फ्रंट कहा जा सकता है। तो इस बिल्डिंग में दोनों तरफ आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। चलिए अभी आगे जाते हैं और वहाँ पर क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, सबसे बड़ा अपडेट ये है हमारा सी टावर, जिसमें आप लोग, जिन लोगों ने बुकिंग कर चुके हो सी टावर में, तो आपका अपडेट ये है, बहुत सारे लोगों ने 6 महीने पहले 7 महीने पहले बुक कर चुके थे सी टावर में, और उस टाइम कुछ भी काम नहीं हुआ था। अभी आप लोग देख सकते हो, आपका आंखों के सामने फुटिंग का काम स्टार्ट हो गया है, ये देखिए, काफ़ी बड़ा काम है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, 300 के आसपास फ्लैट है। और बिल्डिंग में ना सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हम दे रहे हैं, एक एक बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट कौन देता है। ये जो बिल्डिंग है अपना बी टावर, इसमें 4 लिफ्ट है, और हो सकता है अगर ये 15 माले तक जाता है तो 6 भी लिफ्ट होने का चांसेस है। स्टेयरकेस का बात करेंगे तो एक बिल्डिंग में कितना स्टेयरकेस देते हैं, एक स्टेयरकेस, दो स्टेयरकेस, अपना प्रोजेक्ट में 4 स्टेयरकेस हम दे चुके हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग का दोनों दो लॉबी रहेगा, इस तरफ एक लॉबी रहेगा और उस तरफ एक लॉबी रहेगा। अभी ये सी का काम चालू हो गया तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अपना ए जो है, ये ए टावर है, आपको स्टार्टिंग से भी पता है हमारा टोटल 3 टावर है। तो सबसे पहले हम बी टावर बनाए, फिर ए का काम स्टार्ट हुआ, ए का फुटिंग हमने सबसे पहले, जो वीडियो आपने देखे थे लास्ट वीडियो, उसमें ए का हम फुटिंग दिखा रहे थे। अभी इसका प्लिंथ कंप्लीट होकर आप देख सकते हो, पहला स्लैब का टाइम आ चुका है ए टावर का। तो ये ए टावर का अपडेट है, ये बी टावर का अपडेट है। बी टावर का अपडेट आप देख सकते हो, 8 स्लैब हो चुका है, और इस तरफ देखेंगे तो सी टावर है, ठीक है। तो आप लोग एक बार एज्यूम कर सकते हो, ए, बी और सी, ये तीनों का बीच में जितना जगह है, सारे जगह आपके लिए है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग कुछ नहीं बनेगा,
यहाँ पर सिर्फ गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, गजीबो, ओपन जिम वगैरह सारे चीज़ रहने वाला है, और एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यहाँ से इतना नहीं दिख रहा है, आपने मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि काफ़ी बड़ा एरिया है। टोटल 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और जिसमें सिर्फ 3 टावर है, स्टील प्लस 12 फ्लोर का। अगर FSI एक्सटेंड होता है तो 15 माले तक भी जा सकता है। तो ये जो बिल्डिंग है, इसका सेलिंग का अपडेट आप लोगों को देता हूँ। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखे थे, मैंने मेरा तरफ से मतलब हाफ सेंचुरी किया था, मतलब 50 बुकिंग कंप्लीट करके मैं गांव गया था। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है ना, इसमें टोटल 96 फ्लैट है। 96 फ्लैट में से आपको मोस्टली करके 2-4 फ्लैट ही मिलेंगे, 1-2 जोड़े फ्लैट मिलेंगे, और फर्स्ट फ्लोर पे 1-2 फ्लैट मिल सकता है। बाकी टॉप फ्लोर पे देखेंगे तो कोई फ्लैट आपको आज के टाइम में नहीं मिलेगा, और ऑलमोस्ट पूरा आप कह सकते हो 100% बुक्ड है। इसमें भी काफ़ी सारा बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के हैं, पहले ही ले चुके थे, तो उसमें इतना ज़रा हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री अभी जो है ये सी टावर में मिलेगा। तो सी टावर में जिन लोगों को EMI चाहिए, इसमें तो EMI देने का कोई गुंजाइश नहीं है। हमने पूरा जो बिल्डिंग है ये स्लैब वाइज या तो वन टाइम पेमेंट में बेचे है, और ये जो बिल्डिंग है सी टावर, इसमें काफ़ी टाइम मिलने वाला है, आज के लेके 1.5-3 साल तक आप लोगों को मिल जाएंगे ये वाला साइट के लिए, ये वाला बिल्डिंग के लिए। तो आप इसमें डाउन पेमेंट देकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और EMI दे सकते हो मंथली। आप ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं 25-30 हज़ार दे के और 3 साल या 3.5 साल पेमेंट करूंगा और मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 50% ही पेमेंट कंप्लीट है। आप 30,000 × 30 मंथ करेंगे तो कितना होता है, और थोड़ा डाउन पेमेंट ऐड करने के बाद एक 15-16 लाख का ही फंडिंग आपका आता है, और बाकी पूरा 50% के आसपास आपका पेमेंट बैलेंस रहता है। हम अभी ये सहूलत देते हैं आपको कि कम से कम 2 साल या 3 साल आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, इंटरेस्ट फ्री EMI आप भर सकते हो। और अभी आप अगर लोन करते हो तो आपका पूरा पेमेंट का ऊपर लोन करेंगे, काफ़ी बड़ा EMI भी जाएगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाएगा, जिसको प्री इंटरेस्ट प्री EMI हम बोलते हैं। तो तब तक जब तक आपको चाबी मिल रहा है, जब तक बिल्डिंग रेडी हो रहा है, तब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। इसके लिए हम ये EMI वाला ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, जो इंटरेस्ट फ्री EMI। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको देना है, पोजेशन के टाइम आप लोन भी कर सकते हो, जो भी आपका अमाउंट बचेगा 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी बचेगा तब आप लोन कर सकते हो। तो छोटा अमाउंट का लोन करेंगे EMI भी कम आएगा। उसके लिए हम अलग एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाएंगे कि लोग EMI के नाम पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं पूरा रियल एस्टेट मार्केट में क्या चलता है, उसका ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में ये अपडेट था जो मैं आपको दे दिया। यहाँ पर देख सकते हो काम अभी दिख रहा है, मतलब अभी लग रहा है हाँ एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इस तरफ भी काम चल रहा है, इस तरफ भी काम चल रहा है, इस तरफ भी काम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग आइए विजिट कीजिए, जिनको जिस प्रोजेक्ट में जिस बिल्डिंग में पसंद है, इसमें पसंद है इसमें लीजिए, इसमें पसंद है इसमें लीजिए, और नहीं तो हमारे पास सी टावर है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री बचा हुआ है। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन्वेंट्री के जो लोग नया व्यूअर्स है इनके लिए मैं बता रहा हूँ, इन्वेंट्री हमारे पास टोटली 1 BHK है, और आप लोग जुड़े फ्लैट ले सकते हो। उसमें 2 1 BHK का जुड़े फ्लैट मिला के 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK एक बंगलो टाइप फ्लैट हो जाता है, जिसका हॉल टू हॉल पूरा ओपन रहता है और एक बड़ा हॉल हो जाता है। काफ़ी सारा लोगों ने लिए हैं, आप भी ले सकते हो। और बाकी हमारा सब 1 BHK ही है, 1 BHK 750 का बिल्डअप एरिया है, जिसमें आपको मास्टर बेड मिल रहा है, ड्राई बल्कनी अलग से मिल रहा है, हॉल में भी बल्कनी है, बेडरूम में भी बल्कनी है, और ड्राई बल्कनी कपड़ा सुखाने के लिए अलग से मिल रहा है। ठीक है, किचन भी साइज़ वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, हमारा सैम्पल फ्लैट रेडी है। बाकी जो भी बातें हैं वो आपको ऑन टेबल या फ़ोन कॉल पे, या तो आप साइट विजिट करने के लिए जब आएंगे तो पेमेंट के बारे में बताया जाएगा, सारे स्कीम दिया जाएगा। हमारे पास 3-4 स्कीम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें 30-35% का हम डिस्काउंट देते हैं, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर रहता है कि आप कभी भी सेल करते हो तो 30-35% आपको मिल जाता है। और दूसरा है स्लैब वाइज, इसमें आप ले सकते हो। तीसरा है EMI, इसमें आप ले सकते हो। और चौथा है बैंक लोन, इसमें भी आप बैंक लोन करके ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।